हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। देखिए यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एफ ई डी। हमें बताना है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, यानी कौन से कांग्रेस क्राइटेरिया के द्वारा हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एंगल ए और यहाँ पर एंगल एफ, ये हमें इक्वल गिवन है। देखिए दोनों में सेम सिंबल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ और इसके आगे हमने लिखा है गिवन, क्योंकि हमें डायग्राम में ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी गिवन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल बी, ये 90 डिग्री का सिंबल है, यानी एंगल बी 90 डिग्री का है, और यहाँ पर देखिए एंगल ई, ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल बी और एंगल ई भी हमें इक्वल दिए गए हैं, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और इसके आगे भी हमने लिखा है गिवन, क्योंकि हमें डायग्राम में ऑलरेडी ये दिया गया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और अगर आपको उन दोनों ट्रायंगल्स में टू पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाएगा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें जो टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पर एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल एंगल्स की जो इंक्लूडेड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहां से देखेंगे तो एंगल ए और एंगल बी के बीच वाली ये जो साइड है ए बी साइड, और यहां से एंगल ई और एंगल एफ के बीच वाली ये साइड, देखिए ई एफ साइड इन दोनों एंगल्स के बीच की यानी इंक्लूडेड साइड है, और ए बी साइड इन दोनों एंगल्स के बीच की यानी के इंक्लूडेड साइड है, तो इन दोनों साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, तभी हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो ए बी साइड और ई एफ साइड हमें इक्वल नहीं दी गई है, बल्कि हम यहां पर चेक कर सकते हैं कि बी सी साइड और ई डी साइड ये आपस में इक्वल है। देखिए दोनों साइड्स में सेम सिंबल दिए गए हैं, डबल लाइन बनाई गई है, इसका मतलब बी सी साइड और ई डी साइड आपस में इक्वल है। लेकिन ये दोनों ही साइड्स इन दो इक्वल एंगल्स के बीच वाली साइड तो नहीं है, यानी कि इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो अभी हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया किस तरीके से यूज करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी तरीके से ये प्रूव हो जाए कि एंगल सी, देखिए यहां पर ये जो एंगल सी है ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल और एंगल डी, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएं, तो देखिए उसके बाद हम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर पाएंगे। कैसे? एंगल बी और एंगल ई हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है, अगर एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल आ जाते हैं, तो देखिए इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड यानी ये इंक्लूडेड साइड बी सी और इन दो एंगल्स के बीच वाली साइड यानी कि ये इंक्लूडेड साइड ई डी, ये तो ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है, तब हम एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया यूज कर पाएंगे। उस केस में देखिए स्टूडेंट्स, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, और इन दो एंगल्स के बीच वाली ये इंक्लूडेड साइड बी सी साइड इन दो एंगल्स के बीच वाली इस इंक्लूडेड साइड ई डी साइड के इक्वल होगी, तब हम एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया यूज कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल सी को एंगल डी के इक्वल कैसे दिखाया जा सकता है। देखिए यहां पर हमने लिखा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब ये कैसे हुआ? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन हैं और उनमें टू पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपको इक्वल दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर एंगल ए और एंगल एफ आपस में इक्वल दिए गए हैं, एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो जब भी दो ट्रायंगल्स में टू पेयर ऑफ एंगल्स आपस में इक्वल दिए गए हो, तो जो तीसरा पेयर होता है एंगल का, जैसे कि यहां पर एंगल सी और एंगल डी, ये जो तीसरा पेयर होता है एंगल्स का, ये भी आपस में इक्वल होता है, तो
तो देखिए रीजन में हमने यही लिखा है, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। देखिए ये एंगल ए और ये एंगल एफ आपस में इक्वल हैं, और उसके बाद हमने लिखा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल बी और ये एंगल ई भी आपस में इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर टू पेयर ऑफ एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो तीसरा जो पेयर होगा, जो यहाँ पर एंगल सी और एंगल डी हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा देयर फॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। उसके बाद हमने लिखा है बी सी इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए बी सी में जो सिंबल है ये डबल लाइन दे रखी है, और ई डी में भी सेम यही सिंबल है डबल लाइन वाला। तो बी सी साइड और ई डी साइड आपस में इक्वल है, तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी के बीच में जो ये इंक्लूडेड साइड है बी सी साइड, ये इक्वल है एंगल ई और एंगल डी के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है ई डी साइड के। और हम जानते हैं कि जब टू पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो और उनकी इंक्लूडेड साइड्स भी अगर आपस में इक्वल हो, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है बाय ए एस से, यानी कि बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।